से पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज बहुत दर्दनाक एक हादसा सूरत के अंदर हुआ है। एक बिल्डिंग के अंदर एक कोचिंग सेंटर था और उसके अंदर आग लग गई। उसके अंदर आग लगने के वजह से इतना ज़्यादा जोरों में आग लगी और इतना ज़्यादा धुआं था कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कोचिंग सेंटर के जो टॉप फ्लोर पे था और वहाँ से जो बच्चे, जो क्लास के जो बच्चे थे, वो खिड़की से जो है निकलना चाहे, लेकिन वहाँ कुछ निकलने के लिए कोई मतलब ये नहीं था कि किसी के ऊपर पैर रख के निकला जाए। वो लटक रहे थे, सिर्फ उनको अपनी जान बचानी थी, लेकिन जान बचाते उनको ये नहीं पता था कि यहाँ से मेरी जान चली जाएगी। तो कितने बच्चे वहां से देखिए, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है वहां पर और काफी सारे लोग घायल भी हैं वहां पर। ये बहुत दर्दनाक एक हादसा है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गिर जा रहे हैं नीचे सीधा, और इतनी हाइट पे है कि नीचे बचना तो नामुमकिन है उनके लिए, और शायद ही कोई तकदीर वाला हो जो बच जाए। लेकिन मतलब ना कहा जाता है कि कोई सवाल ही नहीं है वहां से बचने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो किस तरीके से एक भीषण आग लगी हुई है और अफरा तफरी का माहौल है। पूरा शहर का शहर पूरा मतलब एक दहल गया है पूरा, और बहुत एक लोगों के दिल के अंदर बहुत घबराहट बैठी हुई है। ये बहुत दर्दनाक हादसा है, ये ऐसा ना हो आगे चल के। इसीलिए जो ये मॉल वाले होते हैं या बिल्डिंग के होते हैं, ये थोड़ा सा उससे जो है एक बच के रहे हर चीज को, चाहे वो फायर ब्रिगेड का मसला हो, चाहे किसी चीज का हो, वहां पर मतलब एक सुविधा रहना चाहिए ताकि ऐसे हादसे आगे जाके फिर ना हो। मैं लालू मशीन फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।